गाइस आज बात करेंगे कि कैसे आप MongoDB से डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, हाउ टू रीड डॉक्यूमेंट एंड देन अप्लाई सम फिल्टर्स एंड फाइंड डेटा। ठीक है गाइस, ये दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा पुराना कोड है, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे कुछ ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी चल रहे हैं जिसमें हमने स्कैमा वगैरह मॉडल वगैरह और क्रड ऑपरेशन बेसिकली चल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये क्रिएट स्टूडेंट था, इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि जब भी मैं फाइल को रन करूंगा वरना ये भी हिट हो जाएगा और मेरा डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे नीचे आएंगे और थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। एंड देन यहाँ पर जूम करने की जगह चलिए मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ। तो मेथड क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स रीड करने। मेरे अभी यहाँ पर मोंगो डीबी में देख सकते हैं आपको, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक असिंक मेथड क्रिएट करने वाला हूँ। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप जानते हो तो असिंक एंड देन यहाँ पर आप फंक्शन लिखिए, फंक्शन एंड देन यहाँ पर आप फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, पर मैं फेटर वो मेथड्स यूज करता हूँ, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज कर रहे होते हैं आप, मैं यहाँ पे एक मेथड का नाम बनाऊंगा जो कि हमारा क्या होगा, बेसिकली रीड डॉक्यूमेंट। ठीक है, रीड डॉक्यूमेंट्स एंड देन फैट एरो मेथड आप कैसे बनाते हैं, सिंपली आई थिंक ऐसे ही बनाते हैं, आई थिंक नहीं सॉरी ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली इस मेथड को असिंक्रोनस बनाना है, मतलब असिंक यूज करना होगा, तो हमें यहाँ पे आगे यूज करना है इसके असिंक। ठीक है, अब असिंक यूज कर रहे हैं तो हमें अवेट भी यूज करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं असिंक मेथड के अंदर आप अवेट यूज करो या मत करो, पर जब भी आप अवेट यूज करो तो असिंक मेथड बनाना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज करेंगे कि कोई एरर वगैरह आए तो हम यहाँ पर उसे कंसोल करा दें। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे एंड देन यहाँ पर हम कर देते हैं एरर डॉट मैसेज एंड देन गाइज यहाँ पे कोई एरर मैसेज होगा तो हम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हमने मॉडल क्रिएट किया था, जो हमारा मॉडल था ये जो कि एक कलेक्शन बनाता है, तो इस मॉडल की हेल्प से हम जो स्टूडेंट नाम का मॉडल है इसकी वजह से हम क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, जिससे कि हमने देख लिया था कि हमें कैसे क्रिएट करना है। तो आज हम देख रहे हैं बेसिकली रीड कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट मॉडल को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट फाइंड। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपने हमारे मोंगो डीबी के ट्यूटोरियल्स देखे हैं विद कमांड प्रॉम्प्ट, जब हमने कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे डेटा लिया था, ठीक है, तो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं चेक किया तो पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, क्योंकि ये आपसे बोलेगा कि भाई मेरे को मोंगो डीबी से डेटा फैच करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्या आप वेट कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर अवेट यूज करो, जैसे कि हाँ हम बोल देते हैं, इससे बोल देते हैं कि हाँ हम वेट करेंगे आपका, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया अवेट। ठीक है, और अब हम जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसे हम करा लेते हैं कंसोल। ठीक है गाइस, कंसोल डॉट लॉग एंड देन रिजल्ट, सिंपल मैंने रिजल्ट को प्रिंट करा लिया। अब देखिए ये मैंने मेथड तो बना लिया, अभी हमने कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो कॉल करना होगा तभी हमारे को आउटपुट आएगा। तो सिंपल है, हम यहाँ पे कॉल करते हैं और चलते हैं हम अपने टर्मिनल पर, चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा दिखाई दे, नोड सॉरी सबसे पहले तो मेरे को SRC के अंदर जाना होगा, CDSRC एंड देन क्लियर स्क्रीन नोड एप डॉट js एंड देन गाइस अब तो डेटा आना ही चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर कनेक्टेड सक्सेसफुल बताएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टॉप पर ही लगा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टेड सक्सेसफुल जो सॉरी यहाँ पर है मैसेज, तो वो यहाँ पर आएगा तभी हमारा आगे वर्क हो पाएगा। तो थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम टर्मिनल चला रहा हूँ, मतलब इसमें जब ओपन किया है जब से BS कोड एडिटर, देख सकते हैं आपको जो है पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा आपको मिल गया। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को कुछ पर्टिकुलर डेटा दी गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे मेरे यहाँ पर अगर रिकॉर्ड देखें तो मैं चाहता हूँ जिसकी फीस फॉल्स है, मतलब जिसकी फीस जमा ही नहीं है तो उसका मेरा रिकॉर्ड है फॉल्स, तो उन रिकॉर्ड को मैं चाहता हूँ निकालना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे नीचे आता हूँ और फाइंड के अंदर मैं क्या करूंगा कि फाइंड फीस, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉलन दे देते हैं जिसकी फीस फॉल्स है। ठीक है गाइस, जिसकी फीस फॉल्स है अब उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन एंड देन नोड एप डॉट जीएस देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास जिनकी फीस जो है फॉल्स है।
तो देख सकते हैं हमारे पास 1, 2, 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। देख सकते हैं आपके पास 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा और फिल्टर करते हैं डेटा को। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे को जिसकी फीस फॉल्स है उसका नेम ही नेम आए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा दीजिए आप डॉट सेलेक्ट, ठीक है, डॉट सेलेक्ट, और इसके अंदर आप पास कर दीजिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर किस किस को आप दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। लाइक मैं चाहता हूँ नेम कॉलन, अगर मैं 0 करूंगा तो मेरे को नेम को छोड़ करके बाकी सारे डिटेल आएंगे, अगर मैं 1 करता हूँ तो मेरे को नेम ही नेम आएगा, ठीक है गाइज। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको सेव, एंड देन गाइज हम चलते हैं रन करते हैं इसको node.app.js। देखिए बेसिकली मैंने नोड मोन स्टार्ट नहीं कर रखा, वरना ऑटोमेटिक दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड्स हैं जिनकी आईडी आईडी बाय डिफॉल्ट आती है। बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये आईडी आपको बाय डिफॉल्ट देता है, पर आप यहाँ पे आईडी को भी क्लोज कर सकते हैं। लाइक अगर आप आईडी को चाहते हैं कि आईडी नहीं दिखे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉमा पास करें एंड देन अंडरस्कोर आईडी 0 कर दें, ठीक है गाइस। 0 करने के बाद अब आपको आईडी नहीं आएगी, ओनली नेम ही नेम आएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो node.app.js एंड देन गाइस देख सकते हैं आपको नेम ही नेम आ रहे हैं, अब आईडी नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब मैं चाहता हूँ एक लिमिट भी लग जाए मेरे पास। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं और मैं चाहता हूँ कुछ रिकॉर्ड्स निकालना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लिमिट लगाऊंगा। तो लिमिट आप कैसे लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा डॉट लिमिट 1, ठीक है। मैं 1 लिमिट दे देता हूँ। बेसिकली मेरे पास अभी कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 3। तो अब मेरे को आएगा 1 रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन एंड नोड एप डॉट जी एस, मेरे को 1 रिकॉर्ड आना चाहिए। देख सकते हैं गाइस 1 रिकॉर्ड आपका आ चुका है, ठीक है। तो ये था आज का रीड ऑपरेशन, कैसे आप यूज कर सकते हैं यूजिंग मंगोज। और ये हमने ऑलरेडी बेसिकली जाने हुए हैं, ये मेथड जो हमने लगाए हुए हैं, सेलेक्ट हुआ आपका और ये लिमिट हुआ, तो ये हमने बेसिकली ऑलरेडी जाने हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड देन मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें आगे हम और अच्छे ट्यूटोरियल्स देखने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस।